हेलो एवरीवन, माय नेम इज करण सिंह एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट आईक्यू। सो गाइज, आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे मेट्रिक की जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब भी आप किसी कंपनी को रीड करते हैं या उसकी वैल्यूएशन निकालते हैं, जिससे आपको ये पता चलता है कि कंपनी ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है, या आपका पैसा लगाना इस कंपनी में सही रहेगा या नहीं रहेगा। सो वो जो मेट्रिक है उसका नाम है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। वैसे तो हमारे पास बहुत सारे मेट्रिक्स होते हैं जिसकी मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा सारे मेट्रिक्स की, जिससे आपको पता चल सकता है कि किस तरीके से हम एक कंपनी को देखते हैं। उसके लिए मैं एक अलग प्लेलिस्ट डिजाइन करूंगा। सो अभी हम बात करेंगे पहले आरओसीई होता क्या है। सो आरओसीई जो है एक फाइनेंशियल रेशियो है जो कंपनी के कैपिटल इन्वेस्टमेंट की एफिशिएंसी बताता है, और साथ में ही हमें यह पता चलता है कि कंपनी उस कैपिटल से कितना प्रॉफिट जनरेट कर रही है अपने कोर ऑपरेशन से। हम इसमें टोटल कैपिटल की बात करेंगे जिसमें शेयर होल्डर्स का पैसा, ऑनर का पैसा और जो भी लोन कंपनी लेती है बैंक से उसकी बात करेंगे। तो ओवरऑल पैसे पे, ओवरऑल कैपिटल पे कंपनी कितना जो है प्रॉफिट जो है जनरेट करती है, या आप कह सकते हैं रिटर्न जनरेट करती है, उसकी हम बात करेंगे। सो गाइज, अभी मैं आपको ये बताऊंगा कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का जो फॉर्मूला है वो क्या है, और काफी जो एनालिस्ट है वो अलग अलग तरीके से इसे निकालते हैं, बट जो हमें यूज करना है वो मैं आपको बताऊंगा। सो इसका जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड जैसे मैंने आपको बताया उसमें इक्विटीज आती है, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म डेट आता है, और शेयर होल्डर्स का जो पैसा होता है वो सब कुछ इक्विटी में आता है, जो मैं आपको आगे पूरा बताऊंगा कि कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या क्या चीजें आती है। एंड हम क्या करते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100 करेंगे तो हमारा जो है आरओसीई आ जाएगा। कुछ लोग होते हैं कि लॉन्ग टर्म डेट नहीं लेते, शॉर्ट टर्म डेट लेते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड में, तो उस पर भी हम जो है डिस्कस करेंगे आगे अपनी वीडियो पे। अभी हम एक तरीके से देखते हैं कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पे हमने जैसे कैपिटल की बात की थी, तो कैपिटल में क्या क्या आता है। सो कैपिटल में आता है आपका इक्विटी शेयर, रिजर्व्स एंड सरप्लस, जो कंपनी पैसा कमाती है उसके रिजर्व्स में रखती है, जो भी प्रॉफिट्स आता है रिजर्व्स एंड सरप्लस आता है। प्रेफर्ड इक्विटी आता है जिसमें वो ऐसे शेयर होल्डर्स आते हैं जिनको पैसा पहले दिया जाता है, या कुछ भी ऐसी चीज होती है तो उनको सबसे पहले दिया जाता है, प्रेफर्ड इक्विटी उन्हें बोलते हैं, शेयर होल्डर्स उन्हें बोलते हैं। प्लस जैसे मैंने बताया था शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म डेट। सो हमारा जो इक्विटी शेयर हो गया और प्रेफर्ड इक्विटी हो गया ये हमारा इक्विटी हो गया, या हमारा ये कैपिटल हो गया। एंड शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म डेट जो हो गया ये हमारा डेट हो गया, जो हम इसमें इंक्लूड करते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड में। अब हम जैसे लेते हैं कि इक्विटी शेयर कैपिटल है, हम इसे मान लेते हैं कि ये 50,000 है। रिजर्व एंड सरप्लस हम मान लेते हैं 25,000 है। प्रेफर्ड इक्विटी हम मान लेते हैं 25,000 है। और शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग शॉर्ट टर्म डेट जो है हमारे पास वो है 50,000, एंड लॉन्ग टर्म डेट जो है एक कंपनी के पास वो है 1,50,000। सो अभी हम यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट देखेंगे। यहाँ पे एक इनकम स्टेटमेंट आ रही है जिसमें एबिट है, एबिट हो गया हमारा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। सो इस चीज को मैं सबके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा गाइज। अभी आप सिर्फ ये जानिए कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकलता कैसे है। सो एबिट है यहाँ पे, एबिट हमने लिया 70,000, इंटरेस्ट हमने लिया 10,000 जो हम इंटरेस्ट देते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस हो गया जिसे हम पीबीडी बोलते हैं वो हो गया 60,000, और टैक्सेस जो है 30% का हमने लेके चला जो हम गवर्नमेंट को देते हैं वो हो गया 18,000। तो आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकल कर आता है 42,000 का। और वहीं पे अगर हम डेट की बात करते हैं तो डेट अगर हम उसको टोटल अगर हम सॉरी हम अगर कैपिटल को जिसमें इक्विटी शेयर रिजर्व एंड सरप्लस एंड प्रेफर्ड इक्विटी आया है अगर हम उसे प्लस करते हैं तो हमारे पास 1,00,000 आता है, और वहीं हम शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म डेट को प्लस करते हैं, सम करते हैं तो 2,00,000 आता है। अब हम देखेंगे क्या कि हमने यहां पे बात की थी कि इसका फॉर्मूला क्या है। तो फॉर्मूला ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में हम जो है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्सेस लेंगे जो कि 70,000 है। हम इसमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस नहीं लेंगे 42,000, हम इसमें लेंगे एबिट, एबिट जिसे हम बोलते हैं अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्सेस। सो वो है 70,000 का डिवाइडेड बाय 3,00,000। 3,00,000 जैसे मैंने आपको बताया कि कैपिटल एम्प्लॉयड इसका जो फॉर्मूला है ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड में आपका सब कुछ आता है, इक्विटी शेयर रिजर्व्स एंड सरप्लस प्रेफर्ड इक्विटी शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म डेट। तो ये टोटल हमारा प्लस कर आता है 3,00,000 इंटू हमने 100 करा तो ये हमारा निकल गया 23.33% का आरओसीई, जिसे हम बोलेंगे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अब आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज जानना ये होगा कि हम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में कितना परसेंट देखे कि कितना परसेंट जो है अच्छा होता है। सो हम बात करेंगे कि जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो हमेशा 20% से हमें ऊपर देखना चाहिए। ये हमेशा जो है कॉस्ट ऑफ कैपिटल से हमेशा ऊपर होना चाहिए।
सो कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है, मान लीजिए एक कंपनी है, कंपनी ने बैंक से लोन लिया और उसको कंपनी को बैंक को देना है 10-12% के बीच में जो इंटरेस्ट है वो। अब आप लेके चलिए, अगर आप 10-12% बैंक को दे रहे हैं और आपका कैपिटल रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 15-16% के आसपास होगा, तो आप सोचिए कंपनी क्या कमाएगी, क्या बैंक को देगी और क्या अपने शेयर होल्डर्स को देगी। इसलिए जो है हम हमेशा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 20 से ऊपर देखते हैं, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हमें ओवरऑल बिजनेस के कैपिटल पे हमें दिखाता है कि कितना रिटर्न उन्होंने जो है जनरेट किया है। सो गाइज, इसी तरीके से आपने देखा कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है हम किस तरीके से निकालते हैं और क्यों ये कंपनी का काफी हम जब चेक करते हैं वैल्यूएशन निकालते हैं कि क्यों इतना इंपॉर्टेंट मेट्रिक है। सो आपको हमेशा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखना है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी एक चीज होती है जो मैं आगे आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा, और कौन सा बेटर होता है ये भी मैं आपको तभी बताऊंगा। उसके लिए आप इस पेज को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा और हम आगे बात करेंगे इसमें और मेट्रिक्स की। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड स्टे सेफ।